नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम उजदार है। मैं मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी। मैं यहाँ तौसा शरीफ में अल्फला चेस्ट केयर क्लिनिक के नाम से हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। आज के हालात के तनाजुर में जबकि कोरोना वायरस की केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और विंटर शुरू होते ही दमा के मरीजों में सांस की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो अक्सर मरीज मेरे से आकर यही सवाल करते हैं दमा के, तो डॉक्टर साहब हमें कोरोना तो नहीं हुआ? तो आज के जेर बहस मौजू का उन्वान है ब्रोंकियल अस्थमा वर्सेस कोविड नमूनिया। आम जुबान में दमा और कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों में जो अमूमी अलामात मुतफरक हैं उनका मुवाजना करना चाहता हूँ। जो दमा के मरीज हैं वो खुश खांसी और सांस में घुटन के साथ आते हैं और अक्सर उनको बुखार नहीं होता। इसके बरक्स जो कोरोना वायरस से मुतासर मरीज हैं उनमें खांसी सांस की तकलीफ के साथ तेज बुखार भी होता है। इसके अलावा दमा एक सीजनल बीमारी है, वो सर्दियों में ज़्यादा हार्वेस्टिंग सीजन में ज़्यादा, जबकि कोरोना का जो ना सीजन से कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा दमा एक क्रॉनिक बीमारी है और उसके पेशेंट जो है ना वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पिछले साल अटैक हुआ था, अब दोबारा हमें सांस में तकलीफ हो रही है, जबकि उनका जो कोरोना के पेशेंट हैं उनका एलर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होते। वैसे ही पेशेंट बुखार, तेज बुखार, खांसी और सांस में घुटन के साथ प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो दमा का मरीज है वो क्रॉनिक आंसर है, जबकि कोरोना का जो मरीज है उसका एक्यूट आंसर है, उसको तेज बुखार शुरू होता है जो कन्वेंशनल एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं देता और बतदरीज उसमें सांस में तंगी बढ़ती जाती है। इसके अलावा दमा के अलावा और भी सांस में तंगी के कई असबाब हैं जिसमें नफ्सियाती वजह, कई मरीज नफ्सियाती तौर पर सांस में तंगी का शिकार होते हैं जिनको हम मेडिकल टर्म में साइकोजेनिक डिस्निया कहते हैं। मरीज आता है, डॉक्टर साहब मुझे मेरा सांस ही नहीं आ रहा, मैं सांस निकालने में दुश्वारी महसूस करता हूँ, हालांकि उसको खांसी भी नहीं होती और साथ बुखार भी नहीं होता। अब ऐसे केसेस में जो कोरोना से मुतासर मरीज हैं उनमें खांसी के साथ बुखार जरूरी होता है। अब ऐसे मरीज जो है ना वो अब कोरोना फियर की वजह से ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे गला खराब हुआ और उसके बाद अब मेरा सांस नहीं आ रहा, हालांकि एक्चुअली उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाए नफ्सियाती वजह के। इसके अलावा दिल की तकलीफ और गुर्दों के तकलीफ वाले जो मरीज हैं उनमें भी सांस में तंगी होती है, लेकिन उनमें प्रीवियस हिस्ट्री दिल की तकलीफ या गुर्दों की तकलीफ पहले से मौजूद होती है। तो मेरा खुदा रहा हर सांस वाले मरीज को कोरोना लेबल ना करें, बल्कि उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और सांस है जिंदगी, सांस है तो चांस है। आखिर में मेरी गुजारिश है कि बीमारी अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश है, आजमाइश की इस घड़ी में हमारा वक्त अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और कोरोना वायरस से मुतालिक जो हेल्थ अथॉरिटीज के SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हमारी जिम्मेदारी है। खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। शुक्रिया।